एन टेल। अब फॉर्मूला था हमारे पास एन फैक्टोरियल, एन टेल प्रेजेंट करता है आपका कि कितने बार आपने पॉइंट को टॉस किया है। यहाँ पर आर फैक्टोरियल की पॉसिबिलिटी कितनी है, मान लो आपसे वो 8 बार अगर कॉइन को टॉस किया है तो 5 टाइम्स आपका हेड आएगा, ये उसकी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से अब 5 बार मान लो हेड आ रहा है तो हेड कितनी बार नहीं आएगा, 8 में से 3 को माइनस करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पर लिखनी है हमें, या फिर इस वैल्यू को हम बोल देते हैं कि एस फैक्टोरियल है और एस आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन माइनस आर। इसके बाद बिकॉज यहाँ पर कॉइन लिया है तो 2 की पावर एन, अगर यहाँ पर हम डिस्क या फिर डाई को लेते तो यहाँ पर हम लिखते 2 की पावर 6 की पावर एन। इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है फर्स्ट कि 8 कॉइंस हैं आपके पास, एन की वैल्यू जो है आपको क्या दी गई है, एन सॉरी ए आर टॉस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स देन हेड ऑफ 5 पॉइंट्स अपर मोस्ट, कि 5 पॉइंट्स आएंगे उसकी जो है पॉसिबिलिटी कितनी है, एन की वैल्यू है आपके पास 8। अब हेड ऑफ 5 का मतलब क्या है, हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 5, तो यहां से हेड की प्रोबेबिलिटी का मतलब है ये आपको आर की वैल्यू दी है, तो ये वैल्यू आपकी आर की है। अब यहां से जब भी एस की वैल्यू को निकालेंगे तो वो 8 माइनस 3 कितना आएगा, सॉरी 5, वो वैल्यू आएगी आपकी 3। इसके बाद जब हम वैल्यू को पुट करेंगे ऊपर तो पॉसिबिलिटी कितनी है, एन फैक्टोरियल का मतलब 8 फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल का मतलब 5 का फैक्टोरियल, एस फैक्टोरियल का मतलब 3 का फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लीकेशन में 2 की पावर एन का मतलब क्या है कि एन की वैल्यू आपकी 8 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 8। अब जब भी हम इसको खोलेंगे 8 फैक्टोरियल आपका कैसे खुलेगा, 8 मल्टीप्लीकेशन 7 6 क्रॉस 5 4, यहाँ पर हम 3 का फैक्टोरियल एज इज लिख सकते हैं, खोल भी सकते हैं इसको, लेकिन हमें पता है नीचे भी 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही खोलेंगे, 5 को खोलोगे तो 5 क्रॉस 4 2 1 और यहाँ पर कितना है 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लीकेशन में आपका क्या है 2 की पावर 8। 3 फैक्टोरियल से क्या होगा हमारा 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से भी हमारा 4 कैंसिल हो रहा है। अब जो भी वैल्यू हमारी कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल करेंगे, उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू बचेगी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द हेड ऑफ 5 पॉइंट अपर मोस्ट बार की कितनी आएगी, 7 डिवाइड बाय 32, तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 10 टाइम्स, अब एन की वैल्यू यहां पर कितनी है 10 है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ऑल टाइम दैट इज हेड, मतलब जितनी भी बार आपने टॉस किया है उतनी ही बार आपको हेड मिला है, तो यहां पर एन की वैल्यू आपकी कितनी है 10। अब हेड पॉसिबिलिटी है किस चीज की, आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ऑल हेड का मतलब है कि 10 बार अगर टॉस किया था तो 10 बार आपका हेड आया है। इसके बाद यहाँ पर हेड ना आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज 10 टाइम्स किया था 10 टाइम्स ही हेड आ रहा है, तो यहाँ पर आर मतलब हेड ना आने की पॉसिबिलिटी या टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी हमारी, एस बनेगा आपका 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, क्योंकि एस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका एन माइनस आर को। अब प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एन फैक्टोरियल मतलब यहाँ पर 10 का फैक्टोरियल, इसके बाद यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है आर की वैल्यू हमारी 10 है तो 10 का फैक्टोरियल, नीचे हमारा 0 का फैक्टोरियल। इसके बाद यहाँ पर 2 की पावर एन का मतलब क्या है, 2 की पावर 10। अब यहाँ पर जब भी हम इस चीज को खोलेंगे तो हमारा ये जो है कंप्लीट हमारा कैंसिल हो रहा है, 0 फैक्टोरियल आप यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, अगर 0 आ गया तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है आपकी वो आपकी 1 होती है, तो यहाँ से जब भी 1 आएगा तो 10 की फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल और यहाँ पर आपका 1 इंटू 10 इंटू पावर